अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके साथ 1 साल की बच्ची की एयरलाइन फ्रॉक की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे पास 2 पीसेस में कपड़ा है, इसी की मैं शर्ट रेडी करूँगी, और जो मेरे पास ये पीसेस है और इसको मैं कवर करके तो इसके अंदर ही डिज़ाइनिंग करूँगी और इस जॉइंट को कवर करूँगी। एक पीस मेरे पास 4 फोल्ड ही था, दूसरे को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है, लेकिन 4 फोल्ड करने से पहले दोनों की चौड़ाई जो है वह 6 इंचेस ही थी, तो जो एक की मैंने 4 फोल्ड कर लिया, और यहाँ से अब मैंने तीरा ऊपर से जो है वो 4.5 रखा है, और कंधा मुझे भी 4.5 ही चाहिए। चेस्ट मैंने 12 इंचेस रखी है, और यहाँ से अब मैं कमर देख लूँगी। कमर मैंने 5.5 रखनी है, तो इस तरह से हम ऊपर निशान लगा दें। ऊपर से नीचे मैं यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा के तो इस शेप में ए लाइन जो है वो निशान लगा दूँगी, और ऊपर से जैसे मेजरमेंट हमने की है उसके बाद हमने वहीं पे जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ से मैंने कटिंग कर देनी है। जो कपड़ा साइड पे जॉइंट है इसको मैंने कवर करना है ऊपर डिज़ाइनिंग करके, इस जॉइंट को पीछे हमारे जो है वो पैनल्स पड़ जाएंगे, और आगे जो है वो पाइपिंग में लगाऊंगी, और नीचे से इस तरह से हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे। तो चलो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो बैक साइड है वहाँ पे मैंने पैनल्स डाल लिए हैं, जो पैनल्स डलते थे तो वो मैंने डाल लिए हैं, और ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पे जो हमारे पैनल्स हैं वो वहाँ पे मैंने सेंटर में जो है वो ये ऑरेंज कलर का जो है वो पाइपिंग का यूज़ करूँगी, कपड़े की ही मैंने बनाई है। तो सेंटर में जो 2 पैनल्स चलते हैं उसके सेंटर में मैंने ये पैनल्स डालने हैं, तो ये सिंगल सिलाई लगा रही हूँ मैं पहले सेंटर वाले कपड़े पे, फिर साथ ही जो है वो मैं दूसरे कपड़े को जो है वो साथ ही सिलाई कर दूँगी। ये मैंने दोनों साइड पे लगा लिए हैं, तो इसको मैं पहले अंदर वाली साइड पे जो है वो सिलाई कर दूँगी इसकी डबल, और दूसरे जो पैनल्स है उसको भी मैं साथ में जोड़ दूँगी। तो ये दोनों साइड पे जो है वो पाइपिंग लग गई है, तो इसको पहले मैं इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्डिंग इसकी करूँगी, और जो साइड वाले पैनल्स हैं उसको मैं इसके साथ जोड़ दूँगी। अब ये मैंने अंदर वाली साइड पे इसकी फोल्डिंग कर ली है, जहाँ मैंने निशान लगाया आप देख सकते हैं, उसके ऊपर रख के मैंने यहाँ पे सिलाई करना स्टार्ट कर देने हैं जो हमारे साइड वाले हैं पैनल्स के अंदर। ये हमारे पाइपिंग लगाने के बाद जब हमारा ये रेडी हो जाएगा तो मैं इसके बाद गला रेडी करूँगी। तो ये मैंने गले की जो भी शेप रखनी थी वो मैंने कटिंग करके कपड़े पे जो है वो जोड़ लिया है, तो मैंने शर्ट का भी सेंटर कर लिया है और गले का भी मैंने सेंटर करके कट लगा लिया है। तो अब मैंने ये गले की जो है वो साइड वाली सिलाई मैं लगा रही हूँ, तो ये साइड वाली सिलाई लगाने के बाद मैं इसको शर्ट के साथ जोड़ूँगी और प्रॉपर गला रेडी करूँगी, और गले की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो मैं अपने पहले वीडियोस में जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। गला सीने का मुकम्मल और प्रॉपर जो तरीका है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड से मैंने वो बताया हुआ है। तो उसके कटिंग और स्टिचिंग मैंने दोनों शेयर की है, गला लगाने की बैक साइड की भी और फ्रंट साइड की भी। तो ये साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारा गला जो है वो रेडी हो गया है, तो अब इसकी जो हमने सेंटर किया था इसको मैंने फ्रंट साइड पे शर्ट के रख के ऊपर वाली साइड पे, तो पहले मैंने सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, और सेंटर में सिलाई लगाने के बाद जो जो हमारी गले की शेप है उसकी साइड पे मैंने सिलाई करते जाना है, और थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए सेंटर से भी मैंने गले की कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने अंदर वाली सिलाई जो है वो लगा रही हूँ, इसके बाद हम कटिंग कर देंगे, और हमारा फ्रंट साइड की जो है वो पाइपिंग और गला जो है वो तैयार है। ये मैंने गले की जो है वो सिलाई लगा ली हुई है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। कटिंग करने के बाद हम सेंटर में थोड़े थोड़े कट्स लगाएंगे ताकि सीधा करने में जो है वो खिंचाव पैदा नहीं हो कपड़े में, और सीधा करने के बाद मैं एक दफ़ा अंदर वाली साइड पे गले को करके तो एक दफ़ा इसको आयरन भी कर लूँगी ताकि नीटनेस और ज़्यादा आए। तो मैंने कट कर लिया है, मैं इसके जो है वो कर्स छोटे छोटे लगा के तो उसको मैंने सीधा कर लिया है, और ये मैंने डोरी का यूज़ किया है जो हमारी जिस शेप का गला था उसके सेंटर में, और इसको भी मैंने अंदर ही साथ में एडजस्ट कर लिया है। तो ये बैक साइड को मैं इसके कंधे जोड़ूंगी पहले, और ये जोड़ने के बाद हमारी बाजू में रेडी कर लूँगी, और इसके बाद हमारी फ्रॉक जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।